हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सुपर फास्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी फ्री फायर में पुरानी आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं फ्री फायर में पुरानी आईडी को लॉगिन कैसे करते हैं? तो फिर वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फ़ोन पे। अब हम अपने फ़ोन पे चले आए हैं। फ़ोन पे आने के बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ्री फायर जो है ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा पुराना आईडी जो है लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप फेसबुक से अगर आईडी लॉगिन करना चाहते हैं और फेसबुक से अगर आपका आईडी बना हुआ है पहले से, तो आप अपने फेसबुक पे क्लिक करिए। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको आपका आईडी जो है लॉगिन नहीं होगा और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। और डालने के बाद जो है यहाँ पे आपका इससे भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ डालकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा पासवर्ड और नंबर जो है लॉगिन हो चुका है। और उसके बाद जो है लॉगिन होने के बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा आईडी जो है लॉगिन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईयर का जो है ऑप्शन फिर से आ चुका है और ये आईडी जो है लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा। और ओके करने के बाद जो आपको बैक चले जाना होगा। बैक जाने के बाद जो है आप अपने फेसबुक को ओपन करना होगा। फेसबुक को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो है आईडी लॉगिन हो चुका है और इस आईडी को जो है आप अपने फ्री फायर में लॉगिन करना चाहते हैं। तो चलिए अब जो है मैं एक सेटिंग बता रहा हूँ, उससे जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेटिंग को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद जो है मोबाइल नेटवर्क में जाना है आपको। और जाने के बाद जो है एपीएन यहाँ पे दिया हुआ है पे आपको क्लिक करना होगा और रीसेट टू डिफॉल्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा ग्रेना फ्री फायर जो है ओपन हो रहा है और इसको जो है रीसेंट से हटाकर फिर से आपको स्टार्ट करना होगा। और स्टार्ट करने के बाद जो है अब आपका जो है आईडी लॉगिन करना होगा। यहाँ पे मेरा आईडी जो है पुराना आईडी, सबसे पुराना आईडी है, ये लॉगिन नहीं हो रहा था और ये यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप अपने फ्री फायर में आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।